अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि हम मुजफ्फराबाद तक पहुंचे हैं, तो आज का हमारा सफ़र होगा मुजफ्फराबाद से आगे कश्मीर का। क्या बात है, रास्ता बेहतरीन हो चुका है। अब व्यूज़ मुजफ्फराबाद के बाद शुरू हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के बाद असल फीलिंग हमें पूरे रास्ते के बाद कि हम कहीं मतलब अच्छी जगह पे आए हैं, कोई पहाड़ी इलाके हमें घूमने आए हैं। अब आ रही है असल फीलिंग। अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि बस हम मरी तक पी रहे हैं, वही वाली फील थी। क्या ये बात है। भाई साहब, पानी की आवाज़ और पानी का कलर देखो, इतना शफाफ पानी और इतनी प्यारी आवाज़, ज़बरदस्त। बहुत साफ़ पानी है, बहुत ज़्यादा साफ़ पानी है। ऐसा साफ़ पानी के पंजाब में तसव्वुर ही ना करो भाई। ये दो टूरिस्ट मिले हैं हमें, यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। हाँ जी भाई जान, बिग फैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जबरदस्त। कहाँ से आए आप? हम पंजाब से। पंजाब में कौन सी जगह से? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान खास शहर के हैं जी। यार मुल्तान तो बहुत गर्म है। बस क्या करें, तो यहाँ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल, क्या बात है, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा। हाँ, क्या ही बात है, नेचर की बहुत खूबसूरत। एंड हो गया भाईजन, अभी तो बहार का सीज़न नहीं आया यार। बहार के सीज़न आने से पहले हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी पहाड़ जले हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना। और जब तो ये ग्रीन होता है, चादरें बिछी पड़ी होती हैं। भाईजन आपकी गाड़ी को क्या हो गया? आप तो वही हैं जो वहाँ ब्रिज पे खड़े थे। जी जी बिल्कुल वही है। हाँ, वैसे एहतियात ना रुकी है कि कहीं हीट ना हो जाए, लंबा सफर करना है। अच्छा अच्छा, मैं तो आपको देख के आ गया, मैंने कहा पता नहीं भाई की गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ खड़ा है, हम देखें तो हेल्प करवा सकते हैं, तो हेल्प करवाते हैं आपकी। हैं गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सफर सही जा रहा है? बिल्कुल बहुत। रास्ते में ये छोटा सा एक रेस्ट एरिया बना हुआ है, मतलब एक वाटरफॉल के पास छोटी सी वाटरफॉल है, जावा वाटरफॉल के नाम से। काफ़ी प्यारी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस जगह पे ना। तो हम यहाँ रुक गए हैं थोड़ी देर, कुछ रेस्ट करते हैं। रोज़ा ना होता तो हम चाय समोसे पकोड़े वगैरह कुछ लेते हैं। यहाँ पे खाने पीने का सीन ऑफ है, बस इंजॉयमेंट का सीन ऑन है। रोज़ा अफ्तार कहाँ होगा और रोज़े के लिए मतलब कहाँ से हमें प्रॉपरली कुछ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये ना हो भैया बान में अफ्तार हो जाए। क्योंकि अभी तक मैं जो कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कश्मीर के बारे में, वो सारा मामला इस तरह का है कि बहुत ही कम जगहों पे चीज़ें अवेलेबल हैं, शॉप्स वगैरह नहीं हैं। हमने मेडिसिन लेनी है, हम काफ़ी देर से मेडिकल स्टोर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर्स हमें प्रॉपर नहीं मिल रहे। शुक्र है हमें एक मेडिकल स्टोर मिल गया, बोस्तान मेडिकल स्टोर के नाम से। अब वो लड़के की एक तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए भी लेते हैं हम कुछ मेडिसिन जाके ना। एक ऑयल भी ओवर था और अभी हम यहाँ से चेंज करवाने लगे हैं। ये टोटल का क्वार्ट्स
सुबह बहुत जल्दी निकले थे अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए ऑयल चेंज नहीं करवा सके थे। तो अभी यहाँ शॉप्स कुछ खुली मिली हैं तो यहाँ से ऑयल चेंज हो रहा है। तकरीबन डेढ़ घंटे का फासला है मुजफ्फराबाद से, और आगे एक और व्यू पॉइंट है धनी वाटरफॉल, काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई है ये। नॉर्मली धनी पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन हम रमज़ान में हैं, क्या कहूँ मैं इसे, गुड लक ही है हमारी कि हम रमज़ान में आए हुए हैं और कोई रश नहीं है। जगह ये नेचर बंदा इंजॉय करता है जब रश ना हो। अभी लास्ट टाइम हम यहाँ आए हुए थे तो इस जगह पे इतना ज़्यादा रश था ना कि तस्वीर लेने के लिए भी हमें जगह नहीं मिल रही थी। पानी की मिस्ट बन रही है, पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, शोर बहुत है, काफ़ी ठंड भी लग रही है यहाँ पे, हवा और पानी का मज़े का लग रहा है, दिल कर रहा है कि बंदा नहाए अंदर। पुरसकून माहौल है और इस पुरसकून माहौल में सिर्फ रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहुँचाए हैं हम डैम के पास, और डैम के पीछे एक सरप्राइजिंग नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। बड़ा व्यू, ये बाहर खड़ा है जी हमारे वेलकम करने के लिए। तो सफ़र इतना ज़्यादा है कि मैं अगर एक वीडियो के अंदर इसे करूँ ना कंपाइल तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ में डिटेल से दिखाऊँ। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, राइट साइड पे पैदल इतनी गहरी खाइयां ना कि पिछले तो बैठे कांप रहे थे, और आगे बहुत मज़ा आने वाला है, अभी आगे बहुत सफ़र है। तो डिटेल्ड सीरीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक छोटी सी वीडियो बना दूँ थ्रू आउट द वे अंदर से चीज़ें काट के, लेकिन इस तरह आपको ना रास्ते का अंदाज़ा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।